नीट 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, आज हम लोग इस लाइव सेशन में समझेंगे। देखिए, नीट 2023 की ऑल इंडिया के कट ऑफ के बारे में सभी को पता है कि नीट 2023 के जो डिफरेंट फेज में जो काउंसलिंग हुई थी और उस काउंसलिंग के मोड में जिस तरीके से बच्चों के कट ऑफ आए अलग अलग कैटेगरीज के, इन्हीं सारी कैटेगरीज पे आज हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है आपके नीट 2024 में। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप्स कि किस तरीके से नीट 2024 में कट ऑफ होगा। और ये एक चीज ध्यान रखेंगे कि नीट 2023 में जो कट ऑफ आई हैं, ये आपको एक रिफ्लेक्शन देगा नीट 2024 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि नीट 2023 में जो डिफरेंट राउंड्स हुए थे, आप सभी को पता है कि राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री हुआ था और इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड आई थी और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद एक और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ जो इस मंथ में कंप्लीट हुआ और फाइनली बच्चों ने सारे एडमिशन्स ले लिए। अब ये देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है इस टॉपिक्स पे समझना, वो यही है कि जनरल कैटेगरीज में जो बच्चे थे उनको फर्स्ट राउंड में, यानी कि जब फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग हुई थी तो उन्हें 19,396 यानी कि 19,396 जो ऑल इंडिया रैंक था उसको फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग में उनको कॉलेजेस अलॉट हुए थे। इसके बाद जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई तो ये नंबर्स जो था जंप किया और जंप करके 22,104 हो गया, यानी कि 22,104 के रैंक पर जनरल कैटेगरीज के कट ऑफ्स हुई थी आपके ऑल इंडिया राउंड टू में। राउंड थ्री की अगर बात करते हैं तो 22,636 यानी कि ऑल इंडिया कोटे के नीट 2023 में थर्ड राउंड में 22,636 कट ऑफ गया था। मैं ये सारे डेटा इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चों, जिन बच्चों को भी अगर इस साल नीट 2023 में आपको अगर किसी कारण से कट ऑफ में आप नहीं आ पाए और आपके जो रैंक्स थे इसके बाद का था, तो आपको अपनी तैयारी उसके हिसाब से ही करनी होगी। क्यों? क्योंकि आप अगर जनरल कैटेगरीज के हैं और आपको पता है कि इस बार स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड में ये जो कट ऑफ था अप टू 23,674 तक गया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 23,674 जो रैंक गया था ये एक लास्ट राउंड में स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड में था। अगर हम लोग इस थर्ड राउंड की बात, फोर्थ राउंड की बात करते हैं तो फोर्थ राउंड आपका 23,562 रैंक पर क्लोज हो गया था। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप जनरल कैटेगरीज के हैं और आप अपनी तैयारी नीट 2024 के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको 100% ये बताता हूं कि आपको इस रैंक को पाने के लिए अगर देखें नंबर्स में तो ये नंबर्स 610 नंबर्स आप मानकर चल लीजिए अप्रोक्सीमेट। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग नीट 2024 की बात करेंगे तो ये 610 नंबर्स तो शायद आप इसे एक्यूरेट ना माने। क्यों? क्योंकि नंबर्स अप एंड डाउन हो सकता है, रैंक माइट भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस वेरी करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रैंक के हिसाब से यदि नंबर्स का प्लान करते हैं तो ये नंबर्स अप्रोक्सीमेट 620 हो जाएगा। यानी कि जनरल कैटेगरीज के किसी भी बच्चे को यदि नेक्स्ट ईयर नीट 2023 की जगह 24 की अगर बात करते हैं तो नीट 2023 के डेटा से ही आपको सबक लेना है, एक आइडिया आपको प्लान करना है नीट 2024 के लिए। और मैं आपको यह कह सकता हूं
कि नीट 2024 में आपको मिनिमम 620 नंबर्स स्कोर करना होगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो रैंक्स हैं ये रैंक्स प्लस माइनस हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर यानी कि नीट 2024 में हो सकता है बच्चे बढ़ जाएं, एप्लीकेंट्स नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स आ जाता है ज़्यादा, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगी, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो रैंक्स का पैरामीटर्स जो नंबर्स के साथ अगर कोरिलेट करते हैं तो 620 नंबर्स आपको 100% ये बेंचमार्क प्लान करना है जनरल कैटेगरीज के बच्चों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरीज। तो ओबीसी कैटेगरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरीज में फर्स्ट राउंड में 19,977 यानी कि 19,777 ये कट ऑफ फर्स्ट राउंड में गया था, और सेकेंड राउंड में 22,756 यानी कि 22,456, और इसी तरीके से थर्ड राउंड में आपका 22,784 ये आपके थर्ड राउंड तक गया। इसके बाद देखिए फोर्थ राउंड में थोड़ा माइनर सा जंप आया और वो 23,575, और फाइनली ये जो फिफ्थ राउंड यानी कि स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड हुआ इसमें 23,675 पे ये क्लोज हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर एक रैंक का डिफरेंसेस है, यहाँ पर आपको डिफरेंसेस अगर देखते हैं तो माइनर सा चेंजेस है, और यहाँ पर देख लीजिए तो आपको जनरल कैटेगरीज और ओबीसी कैटेगरीज के दोनों कैटेगरीज के बच्चों के लिए यही है कि आपको 620 आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रखनी है आपके 2024 के लिए। यानी कि जनरल कैटेगरीज और ओबीसी कैटेगरीज इन दोनों कैटेगरीज के बच्चों को यदि गवर्नमेंट सीट्स के लिए प्लान कर रहे हैं आप तो आपको 19,977 जो कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था, और लास्ट जो स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड थी वो 23,675 था, तो आपको 610 नंबर्स, ये ध्यान रखिए कि आपको 610 नंबर अगर इस बार का कट ऑफ रहा हो तो आपको 620 का प्लान करना होगा नेक्स्ट ईयर यानी कि नीट 2024 के लिए। इसी तरीके से EWS की बात करते हैं तो EWS कैटेगरीज में फर्स्ट राउंड में 21,591, राउंड टू में 24,430, थर्ड राउंड में 24,659, और स्ट्री वैकेंसी राउंड 25,005, ये आपका कट ऑफ गया था। और फाइनली जब स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड हुआ तो 25,013 इसका कट ऑफ गया था। तो ऐसे केसेस में अगर आप कह सकते हैं कि अगर ये 608 नंबर 605 नंबर तक कट ऑफ गया है तो आपको फिर यहाँ पर EWS कैटेगरीज के लिए भी मैं यही कहूँगा कि सेफो साइड नंबर्स फॉर नीट 2024 इज 620 नंबर्स। 620 नंबर्स ही आपका सेफो साइड होगा EWS कैटेगरीज के बच्चों के लिए। देखिए बच्चों जो भी आपकी तैयारी चल रही है आपको बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड प्लान करना होगा। अगर आप किसी कारण से बिल्कुल नज़दीक जाकर चूक जाते हैं तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपको अपनी जो प्लानिंग है आपको इस नंबर तक पहुंचना है, 620 मिनिमम नंबर्स का टारगेट होना चाहिए आपका, अदरवाइज आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि आज आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको बहुत ही पॉजिटिव नोट्स में अपने टाइम मैनेजमेंट्स को अपने प्रिपरेशंस को इस तरीके से करना है कि आपके करेक्ट क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट्स हैं वो बेहतर होता जाए, टाइम आपके रिड्यूस होता जाए और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपकी बढ़ते जाए। यानी कि EWS कैटेगरीज के बच्चों को भी मैं कहूँगा कि 620 आपके लिए यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है अगर आप चाहते हैं कि आप
नीट 2024 में सफलता चाहते हैं तो 620 नंबर्स के बिना कोई भी गुंजाइश नहीं है नीट 2024 में। तो आप ध्यान रख लीजिए, 620 इज द बेसिक नंबर्स जिसपे आपको एक मिनिमम ये गारंटी मिल सकती है कि आपको गवर्नमेंट की सीट मिलेगी। तो आप ध्यान रखें 620, 620, 620, क्योंकि चाहे वो जनरल कैटेगरीज हो, ओबीसी कैटेगरीज हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हो, मैं तो कहता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि 620 नंबर्स आपका बेसिक नंबर है। इस नंबर्स के नीचे का आपको कोई प्लान करते हैं तो 100% आप अपनी पूरी मेहनत को रिस्क पर रखते हैं। 620 के नीचे आपको प्लान ही नहीं करना है, और इसके लिए आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट देनी चाहिए। समय आ चुका है, नवंबर फिनिश्ड होने जा रहा है, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च एंड अप्रैल आपके पास लिमिटेड टाइम्स हैं। अब आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिसेस स्टार्ट करनी चाहिए, ऑफलाइन मोड में होना चाहिए। आपको टारगेट ये लेना है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमम होता जाए, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कम होते जाए और टाइम को रिड्यूस करते जाना है। यानी कि 3 hours 20 minutes की जगह पे आप अगर स्टार्ट लेते हैं तो धीरे 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 ये लेस देन 3 hours और लेस देन 2 hours 40 minutes, 2 hours 45 minutes तक आपको अपनी टारगेट्स को सेट करनी है। आप अगर इससे और कम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन 620 के नीचे आपको नंबर्स अगर लाते भी हैं तो आपकी पूरी मेहनत बेकार है। तो बच्चों, आपको अपने हार्ड वर्क लग जाना है। ये ड्रीम में रखिए कि गवर्नमेंट कॉलेज पाना है तो 620 इज द मिनिमम नंबर्स, और नंबर्स ऑफ मैक्सिमम एमसीक्यूज और मैक्सिमम मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। आपको पता है ऑलरेडी सारी चीजें अनाउंस्ड हो चुकी हैं, आपके पास लेटेस्ट सिलेबस है, आपके पास टाइमिंग है, ये भी पता है कि कब एग्जाम होने जा रहा है, लिमिटेड मंथ्स हैं, आपको नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ानी होगी मॉक टेस्ट की, और ऑफलाइन मोड में आप एग्जामिनेशन दें, ओएमआर सीट्स को फिल करें, और ओनली 3 hours, आप 3 hours 20 minutes का कभी समय ना लें, 3 hours से आप स्टार्ट करें और कोशिश कीजिए कि आपकी जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिसेस हैं उसमें 3 parameters को कंसिडर करना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमम होना चाहिए, मिस्टेक्स मिनिमम होनी चाहिए, और टाइम ड्यूरेशंस हर एक मॉक टेस्ट में चाहे वो 1 second कम हो लेकिन होना चाहिए। यानी कि आपके टाइम ड्यूरेशंस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। एक साइड में अटेम्प्ट्स आपकी बढ़नी चाहिए, मिस्टेक्स मिनिमाइज्ड होनी चाहिए, और टाइम ड्यूरेशंस यानी कि जो आपकी कंप्लीट मॉक टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो घटते हुए होना चाहिए, और अप टू अप्रैल आपका ये ड्यूरेशन 2 hours 30 minutes, 2 hours 40 minutes तक आ जाए तो वेल एंड गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरीज की। तो एससी कैटेगरीज में आप सभी को पता है कि एससी कैटेगरीज का इनिशियल कटऑफ और सालों से थोड़ा सा डिफरेंट था, और फर्स्ट राउंड में ये कटऑफ गया था 1,13,000 रैंक पर, और सेकेंड राउंड में ये गया था 1,16,887, और इसके बाद थर्ड राउंड में गया आपका 1,23,215। इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो थी उसमें 1,28,978, और फाइनली स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1,29,158। यानी कि यहाँ पर आपको 480 नंबर्स, सिक्योर्ड नंबर्स आपका था, और इस नीट 2024 के लिए आपको 500 नंबर्स मिनिमम प्लान करना चाहिए। यानी कि नीट 2024 के लिए एससी कैटेगरीज के बच्चे मिनिमम 480 से अबव यानी कि 500 नंबर्स आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर आपको यहां पर एडमिशंस मिल पाएंगी। ये देखिए क्या है, मैं आपको 500 नंबर्स या 540 नंबर्स या 550 नंबर्स,
देखिए एससी और एसटी कैटेगरीज के बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप 450 या 480 या 500 नंबर्स के जगह पर आप अपने टारगेट्स को 550 रख लीजिए और आपको एफर्ट्स वहां पर लगाना है जिससे कि आपके पास सिक्योरिटीज हो आपको गवर्नमेंट की सीट मिलने की। देखिए जो स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड हुआ था नीट 2023 का, इसमें दो कैटेगरीज में लास्ट में थोड़े बहुत करेक्शंस हुए, ओवरऑल एससी एसटी कैटेगरीज जो भी थी फर्स्ट से थर्ड राउंड में खत्म हो गई, ज्यादा थोड़ा बहुत सीट्स आपके फोर्थ राउंड में अलॉट हुआ। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एससी और एसटी कैटेगरीज के बच्चे, इन दो कैटेगरीज के बच्चों को 500 नंबर्स एबव आपको प्लान करना चाहिए और यहां पर इन तीन कैटेगरीज के बच्चों को 620 एबव टारगेट प्लान करना चाहिए। और इन सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको प्लान क्या करना है, आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट देनी है, अटेम्प्ट्स मैक्सिमम होने चाहिए, इनकरेक्ट आंसर्स मिनिमाइज करते जाना है और टाइम का जो आपका ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का वो मिनिमाइज करना है। हर एक एग्जामिनेशन में आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, एटलीस्ट आपको प्रीवियस मॉक टेस्ट से लेटेस्ट मॉक टेस्ट के बीच में ड्यूरेशन कम लगना चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ना चाहिए और इनकरेक्ट आंसर्स कम होने चाहिए। ये तीन टारगेट को लेके आप अपनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट कीजिए। मिनिमम इन अ मंथ 20 मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। और जहां पर भी आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, गलत हो जाते हैं, आप उस एग्जामिनेशन के बाद आप उसे कम से कम एक दिन का समय देकर उसे करेक्ट कीजिए, कंसर्न्ड टॉपिक्स पर जाके उसको आप क्लेरिफाई कीजिए और एग्जामिनेशंस को फिर से प्लान कीजिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए। देखिए ये एक इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इससे आपको एक टारगेट बेस्ड प्लान होगा और आपको नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में मदद मिलेगी। यानी कि आप अगर मेहनत करते हुए 600 नंबर्स पाते हैं और जनरल कैटेगरीज, ओबीसी कैटेगरीज, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के हैं, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है यदि 620 के ऊपर नंबर नहीं लाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि या तो मेहनत कीजिए कि एबव नंबर्स आए, अदरवाइज आपको इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए उस नंबर्स के ऊपर जाने का, आपको कहीं से भी ये एक्सक्यूजेस ना मिले कि मैंने बहुत कोशिश की और मैं सिर्फ 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, 10 नंबर्स से मिस कर गया। तो मैं कहता हूं कि आपको 620 एबव नंबर्स का प्लान करना है और इसके लिए मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए मॉक टेस्ट का और ऑफलाइन मॉक टेस्ट होना चाहिए। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स को आप डाउनलोड कीजिए और वहां से अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू में रखें। ऑल द बेस्ट। इस लाइव सेशन में सिर्फ इतना ही, और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा नीट 2024 के लिए। थैंक यू, बेस्ट विशेस, मिलेंगे अगले लाइव सेशन में।